अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी चिकन करी की रेसिपी। तो मैं बना रही हूँ चिकन जहाँपना, बहुत ही टेस्टी बनता है ये, बिल्कुल इसके नाम के जैसा इसका स्वाद भी बिल्कुल अलग होता है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनता है। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं 1 किलो चिकन को धो के ले ली हूँ अच्छे से, इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दी हूँ पूरा, और अब मैं इसे करूँगी मैरिनेट। तो इसमें डालूंगी मैं 3 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, तो 3 बड़े चम्मच डाल दी हूँ। 1 बड़ा चम्मच नमक डालूंगी, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच डाल ली हूँ इसमें लाल मिर्च का पाउडर, तीखा वाला है, और 1 छोटा चम्मच डाल ली हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, ये सिर्फ कलर के लिए है। 1 बड़ा चम्मच डाल ली हूँ मैं कसूरी मेथी, जिसे मैं हल्का सा रोस्ट कर ली थी। 1 कप भर कर डालूंगी इसमें दही, तो दही हमारा खट्टा नहीं होना चाहिए, अच्छे से मिला लेंगे हम, तो हाथों से मिला लूँगी अच्छे से, और ये मिला ली हूँ। और अब मैं इसे कम से कम 1 घंटे के लिए ढककर रख दूँगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप 2 से 3 घंटे के लिए रख सकते हैं, लेकिन उस टाइम आप इसे फ्रिज में रखिएगा। अब मैं इसका मसाला बनाकर तैयार करूँगी। तो 1 छोटा चम्मच जीरा ले ली हूँ, 4 लौंग, 7 से 8 ले ली हूँ हरी इलायची, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च ले ली हूँ, 2 बड़े चम्मच ली हूँ धनिया, सौंफ ले ली हूँ 1 छोटा चम्मच, और 3 ले ली हूँ छोटा टुकड़ा दालचीनी का। तो इन सबको हमें हल्का सा रोस्ट कर लेना है, और उसके बाद इसका पाउडर बना लेंगे। यहाँ मैं ले ली हूँ 2 बड़े चम्मच काजू, तो ये टूटे हुए काजू हैं, अगर आप खड़े वाले ले रहे हैं तो 12 से 15 ले सकते हैं। इन्हें हमें भिगा देना है, तो मैं थोड़ा सा गर्म दूध में इसे भिगा रही हूँ ताकि पीसने में आसानी हो। इसे भिगा कर रख दूँगी 1/2 घंटे के लिए, 1/2 घंटे बाद इसका पेस्ट बना लूँगी। यहाँ खड़े मसाले जो हमने लिए थे इसको हल्का सा रोस्ट कर लूँगी, तो बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें हल्की सी खुशबू आने तक इसे रोस्ट कर लेना है। मसालों को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, तो इसे ठंडा करके पीस ली हूँ यहाँ पर, तैयार है, इसे साइड में रखेंगे। अब मैं ले ली हूँ 2 मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे मोटा मोटा काट ली हूँ, और 6 हरी मिर्च ले ली हूँ, इनका मैं पेस्ट बना लूँगी। तो ये पेस्ट तैयार है। काजू जो भिगा के रखी थी उसका भी पेस्ट बना ली हूँ। अब मैं एक पैन में डाल ली हूँ तेल, तो 1/2 कप तेल इस्तेमाल कर रही हूँ मैं इसमें। तेल गर्म हो चुका है, इसमें डाली हूँ 4 मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे इस तरह पतला पतला काट ली हूँ। प्याज को हमें अच्छे से भून लेना है हाई फ्लेम पर, और यहाँ देखिए प्याज हमारा भून चुका है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब मैं डाल दूँगी इसमें जो मैरिनेट किया हुआ चिकन रखा हुआ था उसे, तो सारा चिकन डाल दूँगी मैं। चिकन को हाई फ्लेम पर चलाते हुए 10 मिनट तक भूनेंगे, तो पहले अच्छे से मिला लूँगी इसे। यहाँ मैं डाल दूँगी जो हमने प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखा हुआ है उसे, तो साथ में प्याज भी भुन जाएगा इसमें, तो इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और बीच बीच में हम चलाते रहेंगे, चलाते हुए इसे 10 मिनट तक भून लेंगे। अच्छे से मिला दी हूँ मैं, और यहाँ 10 से 12 मिनट हो चुके हैं हमारे चिकन को भूनते हुए। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, अब मैं डालूँगी इसमें जो हमने पाउडर मसाला बनाकर रखा हुआ है उसे, तो सारा मसाला डाल दी हूँ। साथ में डाल दूँगी काजू का पेस्ट, तो इसे भी डाल दूँगी, अच्छे से मिला लेंगे इसे। इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस को मीडियम कर दूँगी, और मीडियम आंच पर ढककर 10 से 12 मिनट तक पका लूँगी। हमारा चिकन अच्छे से गल जाना चाहिए, तो बीच बीच में हम चलाते रहेंगे, और यहाँ लगभग 12 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए। चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है, और इसकी ग्रेवी देख सकते हैं कितना बढ़िया हो चुका है। इसकी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी अच्छी लगती है, तो मैं इसे ही रखने वाली हूँ, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। तो अब मैं इसमें डाल ली हूँ 3 बड़े चम्मच दूध की निकाली हुई मलाई, आप चाहें तो फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिला लूँगी, और 2 मिनट तक मीडियम आंच पर पका लूँगी। अब इसे ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है, तो अच्छे से मिलाकर ढक दूँगी और 2 मिनट तक पका लूँगी, और 2 मिनट बाद ये हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी है, और बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है इसमें से, और इसकी ग्रेवी देख सकते हैं आप कितना लाजवाब हुआ है। तो अब मैं डाल दूँगी इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, और साथ में डाल दूँगी 3 हरा मिर्च, जिसे मैं बीच से कट कर ली हूँ।
मिर्ची डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप तीखा खाते हैं तो ही डालें। इसे मिला लूँगी और गैस को बंद कर दूँगी, ढककर रखूँगी 2 से 3 मिनट के लिए, उसके बाद फिर इसे सर्व कर लूँगी। और मज़ेदार सा हमारा चिकन जहाँ पना बनकर तैयार है। इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आएगा। आप इसे रोटी, नान, पराठा किसी के साथ भी सर्व करें, सबको बहुत पसंद आने वाला है। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।